गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम फ्रॉम नाको। सो ये है नाको और ये वो होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये सारी सब्जियाँ लगी हुई है यहाँ पे, आलू, गोभी, मूली, ये सब लगा हुआ है। और ये रूम हमारा, और रूम से खुलते ही जो बाहर निकलो आप तो सीधे आपको गार्डन देखने को मिलता है। चलो बाकी लोगों से पूछते हैं। चोरी खुलेगा? खोलो 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 खोलो। आज करीब टाइम हो रहा है 6:30-7:15 और हम लोग उठ चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम लोग काफ़ी अच्छी हम लोगों ने नींद ले ली है। और हाँ भाई, लोग कैसी आई नींद? बढ़िया, ऑसम ऑसम। तू तो मेरे को लगता है कि नहा धो के तैयार एकदम पहाड़ी है। तू भी वैसे ही चमक रहा है जैसे तेरी बाइक चमकती है। और भाई कैसा रहा? बढ़िया एकदम। रेडी है? चले चलो। तो प्लान ये है कि हम यहाँ से निकलेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे नाको की मोनेस्ट्री, और नाको की मोनेस्ट्री के बाद फिर हम लोग जाएंगे नाको लेक, और फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे। ये है नाको की लेक, छोटी सी है और कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बट द फैक्ट इज़ दैट इट इज़ एट दी हाइट ऑफ अबाउट 12,000 feet, विच मेक्स इट अ नॉट रियली अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, बट या समथिंग। अगर आप यहाँ आए हो तो देखने बनता है एक बार। तो मेरे पीछे है नाको की मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री इस वक्त खुली नहीं है, 9 बजे खुलती है अपेरेंटली। ये बहुत छोटी सी मोनेस्ट्री है, लोकेशन इज़ वेरी नाइस। तो चारों तरफ पहाड़ है, चारों तरफ। और कुछ पे तो स्नोफॉल भी हुआ है अभी हाल फिलहाल में हुआ है, सो हम भी वही देख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। आज हमें 3-4 जगह कवर करनी है ये, और इसमें एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए थोड़ी देर में। तो ये है अपना नाश्ता आज का, पराठे विद आलू के पराठे विद घी, घर का मक्खन, घर वाला सफेद मक्खन जो होता है बिना बिना नमक वाला। बढ़िया। हम लोग जो नाको में रुके हैं वो एक जगह है अमर होम स्टे। ये है, ये हमारी दीदी है, आंटी नहीं है, दीदी है, हमारे उम्र के बराबर है। मड हाउस है। तो मड हाउस में बहुत ही अमेजिंग फील आता है और काफी अच्छे बड़े रूम्स हैं। ये होम स्टे ओल्डेस्ट वन इन नाको। अच्छा। हाँ जी, 2007 से है। गूगल मैप पे है इसका, क्या कहते हैं, साइट भी बना है अमर होम स्टे। अमर होम स्टे के नाम से साइट है। हाँ जी, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट जरूर करना। और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइएगा और यही स्टे करिएगा। भी आपको दिख जाएगा, अपार्ट में जाके हमारा साइट भी मिल जाएगा और कॉल भी मिल जाएगा उसमें, और इंस्टाग्राम में भी है अमर होम स्टे। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारे छोटा सा अमर होम स्टे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत मजा आया। तो यहाँ से हम जाएंगे काजा, और काजा में हम एक दो जगह और जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, देखते रहिए। हमारे होम स्टे जहाँ पे हमने स्टे किया था, हमारी बाइक्स अब पैक हो चुकी है, लोड हो चुकी है, हम लोग निकलने को तैयार है। यहाँ से जाने का हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है ड्यू। वहाँ पे एक बहुत पुरानी ममी है जिसको कहते हैं कि वो एक मंक है जो अभी भी मेडिटेशन में है और उसके नील्स वगैरह अभी भी भरते रहते हैं।
सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग. सो वो चलते हैं, वो देखते हैं, और बीच में बहुत सारी और चीज़ें भी आएंगी. सो कीप वॉचिंग, सी यू ऑन द रोड. हम लोग निकल पड़े नाको से, और ये जगह कहलाती है हंगरंग घाटी. हंगरंग घाटी, और वो दिख रहे हैं सामने बर्फीले पहाड़. तो हम लोग करीब अभी 4-5 किलोमीटर तो चल चुके हैं, और रोड सारी ऐसी है पथरीली. और वरुण भैया वहाँ पे अटके हुए हैं, जो हमसे आगे भाग भाग के चले गए थे. उनको कंकड़, रोड़ी, पत्थर, ईंट, बारिश, किसी से मतलब नहीं होता. ये डग डग डग, ये डग 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 डग. बहरहाल यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया है. वो है मेरे ख्याल से स्पीति रिवर है. कुछ नहीं है, मिट्टी के पहाड़. वो पहाड़ वहाँ पे चोटियों पे कहीं पे बर्फ है. तब देखते हैं हम कितना आगे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे है. वहाँ से रोड तो ठीक दिख रही है यार मेरे को, बाकी रोड तो अच्छी दिख रही है. तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं एक छोटा मोटा पैच है जो ख़राब है. चलो लेट्स होप आगे अच्छी मिलेगी. आप देखते रहिए. जगह है मलिंग नाला, जो कि नाको से कुछ 2-3 किलोमीटर ही आगे पड़ता है. और ये है वो वैली. ओहो क्या अमेजिंग नज़ारा है यार. ये वो खाई, माय गॉड. तो आप लोग रुके ज़रा पानी वानी पीने के लिए. और जहाँ पे रुके वहाँ पे सेब लगे हुए. आह हाँ, देख के कितना अमेजिंग लग रहा है, लेकिन ऐसे तोड़ नहीं सकते. है कुछ सेब मिल जाएंगे? सेब मिल जाएंगे कुछ खाने के लिए? हाँ और हो गया होगा, तुम तो खुद गए हो ना वो. अच्छा है, अच्छा वो 2-3 दे दो यार अगर हो सकता है तो. थैंक यू भैया. नहीं है ना, नहीं बस बहुत है, बहुत है. थैंक यू. बड़े अच्छे लोग हैं यार. अब तेरे पास पड़ा है ना? तेरे पास पड़ा है ना? ओ हेलो, मेरा कल वाला एक आपके पास पड़ा है. मेरे पास कुछ नहीं है. टॉप बॉक्स में रखा था. नहीं है मेरे पास. ऐसे कैसे आपने खा लिया? जब है ही नहीं मेरे पास. आंटी ने दिया था वो गिफ्ट था. अरे आंटी ने दिया है ना तेरे को? आज सुबह वाला आपके पास है. तो तेरे पास है ना? तेरी ये लाल वाला नहीं. लो लो लो. आप मेरे से ग्रीन वाला ले. नहीं नहीं ये पानी डाल. ले ले वो रहा, पानी डाल इस पे. तो भैया ये रास्ता तो बिल्कुल वही याद दिला रहा है यार जो कारगिल से लेह वाला रास्ता था. बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ों के बीच से निकलते हुए, और नदी बगल में चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हम लोग बिल्कुल मस्त होके एकदम बाइक झुलाते हुए झूमते हुए निकलते जा रहे. बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मेरी बाइक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे थ्रॉटल हाई करके चलाना पड़ रहा था. इस बार उतनी नहीं हो रही है, सिर्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है. सेल्फ लेता हूँ सुबह सुबह, तो ये 4-5 सेल्फ और उसके साथ रेस देनी पड़ती है, तब जाके स्टार्ट होती है. जबकि मैं नई बैटरी लगवा कर लाया हूँ फिर भी. बट ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स स्टिल बेरेबल. जो पैंगोंग में मेरे साथ हुआ था कि मैं वहाँ पे स्टार्ट ही करता रह गया और बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, वो तो बहुत ही सैड था यार. तो एनीवेज, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स ताबो सुमदो करके एक जगह आएगी. पहले उससे पहले हम जा रहे हैं गुई मोनेस्ट्री. गुई मोनेस्ट्री एक्चुअली तो वहाँ पे है एक बहुत ही पुराने मंक की मम्मी, जिसको ये माना जाता है कि दैट मम्मी इज़ एक्चुअली नॉट अ मम्मी, बट इट्स अ रियल लाइव अलाइव मंक हु हैज़ बीन
यू नो मेडिटेटिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम. आप देखते रहिए, तब तक थोड़ा सा व्यूज़ का इन्जॉय करिए. ये कैमरा जस्टिस नहीं करता जो आपकी आंखें देखती है, लेकिन फिर भी तो इन्जॉय करिए, बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप पे. तो अब हम कोई मॉनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं शायद, ये रास्ता कटता है. हाँ, सो दिस इज़ द रूट. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री. तो ये है, तो मोनेस्ट्री बन रही है, लेकिन जो जगह हमें जानी है वो है ये. माय गॉड, this is something amazing. यार ये ऐसे पानी बह रहा है और ये बगल में नदी है, नदी जाके वो करती है. हम लोग अभी ग्यू मोनेस्ट्री से निकल कर आए, जहाँ पे मम्मी की फोटो आपने अभी देखी होगी. तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग जगह है. एक्चुअली रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अजीब है, बीच में कच्चा रास्ता भी है और काफ़ी अजीब से काले से पहाड़ है, लेकिन ये जगह देख रहे हैं आप, दिस लुक्स ऑसम. देखो छोटे 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 स्ट्रीम्स जा रहे हैं, ये उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये पूरा रोड ऐसे चल रहा है. फिर ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे भी हैं, दोनों तरफ है. ये गाँव वाला एरिया है, ये है, और यहाँ पे ये कुछ पेड़ है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के, एप्पल के पेड़ है शायद, एप्पल के पेड़. देखो ये एप्पल लगे हुए हैं, यहाँ पे भी एप्पल लगे हुए हैं, और ये तो पॉपुलर के पेड़ है. ये सब रोड पे हो रखे, रोड पे. यहाँ पे कुछ खेती वगैरह हो रखी है. वाओ, बट दिस इज अमेजिंग. द ग्यू विलेज जो है वो बहुत ही अमेजिंग है. और अगर आप इधर आते हैं तो जब आप तो अगर आप नाको से काजा की तरफ जाएंगे तो कुछ 40 किलोमीटर पहले ताबो से एक पुल आता है, और पुल से ही राइट साइड पे रास्ता करता है. लेफ्ट जाएंगे तो ताबो चला जाएगा, राइट जाएंगे तो ये ग्यू विलेज की तरफ रोड कट जाएगी. यहाँ पे वो मोनेस्ट्री भी है और छोटा सा एक गांव भी है, एंड जहाँ पे हम हैं अभी ये लोकेशन. तो एक बार अगर आप इधर आते हैं तो इधर ज़रूर आइएगा एक बार, वो तो देखना बनता है यार. मम्मी इज़ वेरी अमेजिंग, मतलब इफ़ एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट इट, सो मतलब कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, यू नो यू कांट जस्ट इमेजिन समबडी अलाइव विद इन दैट फ्रेम विच हैज़ नो आईज, विच हैज़न्ट ईटन और टेकन अ ब्रेथ इन व्हाट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. माई गॉड, सो कीप वॉचिंग, देयर इज मोर टू कम. सो वी नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, ताबो मोनेस्ट्री, विच वी आर गोइंग टू.
तो बस वहीं चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कीप वॉचिंग, सी यू।